नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। लगातार मैं तोरपा विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं और इसी बीच तोरपा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पुनीत हेम्ब्रम जी हमारे साथ हैं और काफ़ी लंबे समय से वो कांग्रेस समर्थक रहे हैं और कार्यकर्ता भी रहे हैं। काफ़ी लंबे वक्त के बाद ये फिर से जो है चुनावी मैदान में आ चुके हैं, तो आप जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि वो चुनाव लड़ने का जो है निर्णय लिया। देखिए, ऐसा है कि मैं 27 से 28 सालों से लगभग कांग्रेस में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहा और मुझे 2014 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और 2014 में जिस समय कि ये क्षेत्र उग्रवाद से ग्रसित था, भारी उग्रवाद था, विशेष परिस्थिति में मैं चुनाव लड़ा और मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सम्मानजनक रुझान मुझे जनता ने दी। उसके बाद फिर से पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 में यहाँ पे या खूंटी जिला में दो विधानसभा सीटें आती है, उसमें ना खूंटी में ना तोरपा में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिया। मैं सोचता हूँ कि अगर इतने दिनों तक यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी नहीं देगी तो संगठन का क्या हाल होगा, वो सभी कोई जानते हैं। तो मुझे बहुत से सोशल संगठन के लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने, उनके आग्रह पर मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया। अभी जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ आपको रुझान देखने को मिल रहा है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है जनता के बीच में? मेरा ये जो निर्णय निर्दलीय लड़ने का रहा है, इस पर मुझे जनता का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। एक उम्मीद की दृष्टि से मुझे विकल्प के रूप में जनता अपना रही है, हर कोई मुझसे जुड़ रहे हैं। विशेष करके इस क्षेत्र में बहुत से मुद्दे हैं जिस पे हम अगर चुनाव में विजयी होते हैं तो काम करना चाहूँगा। जैसे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार? मेरे दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में बहुत से संवेदनशील मुद्दे हैं, उस पर तो काम करूँगा ही, लेकिन विशेष करके आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो स्वास्थ्य और शिक्षा मेरा एक मुख्य मुद्दा रहेगा। आज ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जर्जर स्कूल हैं, शिक्षकों का घोर अभाव है। उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप देखिएगा कि हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं है, और हैं भी तो सही स्वास्थ्य किसी को ग्रामीणों को नहीं मिल रही है। लगातार अभी अभी जो है आप बानो प्रखंड में मौजूद हैं और इन इलाकों के सुदूरवर्ती इलाकों में कोई भी विकास नहीं हुआ है, पिछले 5 साल या फिर उससे पहले की भी बात करें तो इस तरह के मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीमार होने पर भी खटिया से ढोकर निकालना पड़ता है, अस्पताल में भी उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के जो विधायक रहे हैं वो 2-3 टर्म से विधायक रहे हैं, इस क्षेत्र के विकास में उनका मैं देखता हूँ कि कोई विशेष योगदान नहीं रहा है। उनके विधायकी काल में भाजपा की सरकार भी रही, लेकिन आप देखिएगा कहीं भी आप दिखा दीजिए हमको कि कोई बड़ा विकास का कार्य हुआ हो, तो हम सोचते हैं कि कोई भी काम नहीं हो पाया है सही से। धरातल पे कोई भी काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बार के चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं, पिछले बार में और इस बार में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? इस बार तोरपा विधानसभा की जनता साइलेंट मूड में है, जो स्थिति परिस्थिति है उनसे आप लोगों को वाकिफ है, एक आशा भरी निगाहों से देख रही है और यहाँ जनता को एक विकल्प चाहिए था। मैं विकल्प के रूप में यहाँ पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे स्वीकार करेगी और मुझे यहाँ से बहुमत देकर विजय बनाएगी। अभी के समय में ग्रामीणों के बीच में जाता हूँ तो लोगों का कहना होता है कि हर बार हम वोटिंग करते हैं और उन्हें विधायक बनाते हैं, लेकिन उनके गाँव तक वो नहीं पहुँच पाते हैं, उनका कोई हाल चाल जानने नहीं आते हैं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दूर नहीं कर पाते हैं। सही बात है, चुनाव जीतने के बाद बहुत से नेता वोट लेकर के भूल जाते हैं लोगों को, काफ़ी अफसोस होता है। मेरी पढ़ाई लिखाई ग्रामीण क्षेत्र में ही हुई है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, इसलिए यहाँ के लोगों का दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ। और अगर इस तरह से जनप्रतिनिधि जीतने के बाद जनता से नहीं जुड़ेंगे तो निश्चय रूप से वो दुखित होंगे, छला हुआ महसूस करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ क्योंकि मेरी परवरिश ग्रामीण क्षेत्र में ही हुई है, मैं
अगर चुनाव जीतता हूँ तो गांव के जनता से हमेशा मैं जुड़ा रहूँगा, रात दिन उनके सेवा में उपस्थित रहूँगा। इससे पहले भी आप बानो क्षेत्र का भ्रमण कर चुके होंगे? जी जी, बहुत बार मैंने भ्रमण किया, कांग्रेस में रहते हुए भी भ्रमण किया और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने का मैं काम किया। मैं प्रदेश में डेलीगेट भी रहा हूँ और जितना तक हो सके कांग्रेस के लिए 100% अपना समय दिया हूँ। तन मन धन से मैंने कांग्रेस की सेवा की। मुझे काफ़ी दुख होती है कि यहाँ से इतने दिनों तक प्रत्याशी नहीं देना एक सवाल पैदा करता है कि क्यों आखिर इस तरह का कांग्रेस को यहाँ पर छला जा रहा है। आखिर कार्यकर्ता काम करे तो किस आधार पर काम करे? ग्रामीण भी कहते हैं कि हमें छला जा रहा है क्योंकि उनका काम नहीं। कितना साल बाद, मतलब 5 साल गुजर चुके हैं, बानो क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है क्या? कैसे देख रहे हैं इसको? जिस तरह से अन्य क्षेत्र में हुआ है उसी तरह से बानो भी है, कोई खास यहाँ पे विकास हमको नहीं दिखता है। अगर आप आते हैं तो क्या मुद्दा होगा जिस पर आप काम करेंगे खासतौर पर इस इलाके के लिए विशेष तौर पर? देखिए, इस इलाके में जितने भी रनिया हो, मानो हो, हर क्षेत्र से पलायन एक बहुत गंभीर समस्या है। आखिर हमारे लोग, गांव के लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? यहां रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है, यहां ITI पॉलिटेक्निक कहीं पर भी आपको देखने नहीं मिलेगा, महिला कॉलेज एक होना चाहिए। जो हम सोचते हैं कुटी जिला में और बानो में भी महिला कॉलेज नहीं है। हमें अगर चुनाव जीतता हूँ तो निश्चित रूप से महिला कॉलेज का मैं निर्माण करूंगा और जितने भी हमारे क्षेत्र के जो बाहर जा रहे हैं युवा वर्ग के लोग हैं उनको अगर यहाँ पे रोजगार मुहैया कराया जाए तो क्यों बाहर जाएंगे? इस बार के भी चुनाव में कहा जा रहा है कि एक क्षेत्रीय पार्टी जो JMM है और दूसरी जो राष्ट्रीय पार्टी जो BJP है उसके बीच ही सीधी टक्कर हो सकती है, ऐसा भी लोगों का कहना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है। जिस तरह से भाजपा से भी लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, उनका कहना है कि विधायक ने यहाँ कुछ काम नहीं किया है, मैं तो BJP को अपना प्रतिद्वंदी मानकर चल रहा हूँ।